अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर ना ज़िक्रा और ज़िक्रा के बाबा कर रहे थे मस्ती। मैं इनसे कह रही थी ना मेरे लिए एक सॉन्ग गाओ, तो ये कह रहे थे मुझे सॉन्ग नहीं आ रहा, देख रहे हैं। और ज़िक्रा इनके पीछे पड़ी थी, नहीं बाबा नहीं बाबा अब डांस करो। तो ज़िक्रा और ज़िक्रा के बाबा का ये है मस्ती टाइम। बादल बरसा की चूली, सावन का पानी, अरे मतलब अच्छा थोड़ा मौसम। और ना हमारे यहाँ काफी टाइम से लाइट कट गई थी, तो इसलिए इन लोगों की मस्ती चल। तो यहाँ पर ना मैंने इनकी थोड़ी सी क्लिप ले ली थी सॉन्ग गाते हुए, और इनको पता नहीं है। अगर पता चलेगा ना तो मुझे बहुत डांटेंगे। और फिर ना ये मुझसे कह रहे थे कि चलो कहीं चलते हैं हम लोग, आज संडे है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कहाँ लेके चलेंगे। तो कह रहे ऐसी जगह जाएंगे जहाँ हम गुम हो जाएं। फिर यहाँ पर ना ज़िक्रा कह रही बाबा आप जम करो, मुझे भी आपके साथ जम करना है। तो यहाँ पे बाप बेटी दोनों जम कर रही है, देखिए। कैसे ज़िक्रा जम कर रही है। और ना अभी ज़िक्रा के बाबा जम करते करते गिरेंगे दो इसे। और मैं ना यहाँ पे ज़िक्रा से कह रही ज़िक्रा एक बार और करो, आप करोगे ना तो आप जल्दी से लंबे हो जाओगे। तो कह रही नहीं नहीं पापा आप करो, आप करो मम्मा आप करो। मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी, आप करो और बाबा करें। तो यहाँ पर ये फिर जा रहे करने, अभी देख अभी करते करते गिर गए थे। और मैंने वो क्लिप ले ली, यहाँ गिर गए थे, ज़िक्रा को मजाक बना रही थी। और ना यहाँ हम सब हो गए थे रेडी, ये भी रेडी हो गए, मैं भी और ज़िक्रा भी। तो आज कह रहे हैं कि मैं ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ से हम लोग गुम हो जाए, मुझे वो जगह पता नहीं। मैंने कहा ठीक है लेके चलिए, देखिए कहाँ लेके जाते हैं। तो ये लेके जा रहे हैं, देखते हैं अब कहाँ जाते हैं। तो ये हम सब निकल गए थे, और ना ये लेके जा रहे थे पिकनिक स्पॉट। ये एक जगह है जहाँ पर, ये मेरे घर के बगल में ना ज़ू है, लेकिन अब ज़ू यहाँ से ट्रांसफ़र होकर पिकनिक स्पॉट ही जाने वाला है। तो हम वहीं पे जा रहे थे, वो ना बहुत ही घना और जंगल एरिया है। हम लोग भी आज से पहले कभी नहीं गए, तो इन्होंने कहा नहीं चलो उधर ही चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलिए। तो रास्ते में जा तो रहे थे, लेकिन एक कांड हो गया, ये हुआ कि हमारी ना बाइक बंद हो गई, क्योंकि ना यहाँ पर बाइक का ऑयल ही ख़त्म हो गया। रास्ते में दो पेट्रोल पंप पड़ा था, लेकिन उन्होंने नहीं डलवाया, इसलिए कह रहे देखता हूँ कहाँ तक जाती है, जब तेल ख़त्म होगा तभी डलवाऊँगा। फिर यहीं पर ना रास्ते में तेल ख़त्म होगा, फिर उन्होंने एक भैया से पूछ रहे हैं। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, या मुस्कुरा रहे थे और मुझे गुस्सा आ रहा था। फिर भैया ने बताया भाई यहाँ से 10 कदम की दूरी पर पेट्रोल पंप है, तो आप जाके तेल डलवा लो। तो ये मुझे हेलमेट दिए, कह रहे तुम और ज़िक्रा यहीं पर खड़े रहो, अब मैं अब भी तेल डलवा के आ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है जाओ। तो ये देख रहे गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, क्योंकि ऑयल उसमें एकदम था ही नहीं। और मुझे देख के खूब हंस रहे, कह रहे मज़ा आ रहा है। मैंने कहा मज़ा नहीं आ रहा, बहुत गुस्सा आ रहा है। तो बड़ी मुश्किल से ये गाड़ी स्टार्ट करे, लेकिन देखो हो नहीं रही है। मैंने कहा अच्छा हुआ, मतलब दो जगह पड़ा, मैंने कहा डलवा लो, कह रहे नहीं नहीं मैं डलवाऊंगा नहीं, आज देखता हूँ कहाँ तक ये जाती है और कहाँ ख़त्म होता है। तो ये लेके गए तेल डलवाने। फिर हम और ज़िक्रा यहीं पे खड़े होके वेट कर रहे थे, और ना काफ़ी टाइम हो गया था वेट करते हुए, ये आ नहीं रहे थे। और मुझे ना बड़ा अजीब लग रहा था यहाँ पर खड़ा होके वेट करना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वेट ही कर रहे थे। वेट करने के बाद फिर फाइनली ये तेल लेके आ गए, और मुझे ना डांट रहे थे कि मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा था तुम रिसीव नहीं क्यों नहीं कर रहे थे। मैंने कहा हाँ मुझे पता नहीं चला था, वाकई में मैं मुझे पता नहीं चला था। तो फिर हम वहाँ से चल दिए यहाँ पे जहाँ पे हमें जाना था। ये देख रहे हैं एकदम ना बहुत दूर तक ये सिर्फ घना जंगल ही जंगल है। हम लोग खुद इधर पहली बार आ रहे हैं, लेकिन ना यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा था, बहुत ही अच्छा ठंडा था एकदम। तो इधर हम पूरा जा रहे थे, और फिर इन्होंने रास्ता सर्च किया, और जो पिकनिक स्पॉट था वहाँ पे जाने के लिए, पिकनिक स्पॉट ये यहाँ से अंदर जाएगा, फिर हमें अंदर जाके ही मिलेगा। तो हम अंदर चलते जा रहे थे, लेकिन वही एकदम घना जंगल चारों तरफ, और कुछ भी नहीं था। देख रहे हैं सिर्फ जंगल ही जंगल थे चारों तरफ, और कुछ नहीं था। और जब हम यहाँ पर पहुँचे ना, तो यहाँ पर टिकट लग रहा था, तो इन्होंने कहा, भैया ने कहा कि ये बंद हो चुका है और आप सिर्फ आगे ही जा सकते हैं। हमने कहा फिर क्या फ़ायदा, फिर हम और आगे चले गए। ये देख रहे हैं, और यहाँ पर ना हमें रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था कि हम जाएं किधर, क्योंकि हर तरफ से रास्ते कटे हुए थे। हमने कहा बेहतर है कि हम वापस मुड़ के अपने घर चले जाएँ, घना जंगल है, कहीं फंस उस गए तो क्या होगा। फिर हम आ गए, ये देखिए ना यहाँ पर डैम बना हुआ था, इसमें पानी बिल्कुल नहीं था, लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा मंकी बैठे हुए थे, मुझे तो बड़ा डर लग रहा था कि कहीं कुछ
ऊपर अटैक ना कर दे, ये देख रहे हैं काफ़ी मंकी यहाँ पे बैठे हुए थे। फिर उसके बाद रास्ते में मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी, तो यहाँ पर इन्होंने बाइक रोका और ज़िक्रा ने अपने ऊपर कुछ गिरा लिया था तो वो ये देख रहे थे। तो यहाँ पर हमने पानी वानी पिया, पानी पीने के बाद फिर आगे हमने अपना सफ़र जो था वो कंटिन्यू किया। तो ये हम आ रहे थे ना चिन्हट साइड में, ये एक था मॉल था, और हम लोग भी यहाँ कभी नहीं गए थे, काफ़ी छोटा मॉल था लेकिन देखने में अच्छा लग रहा था। तो हम आ गए इसके अंदर, हम कह चले देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो ये इसका ना फर्स्ट फ्लोर था, अभी नीचे का, बहुत बड़ा तो नहीं था, छोटा था लेकिन हाँ अच्छा था। तो यहाँ पर हम लोग टहल रहे थे ऐसे ही, और उसके बाद ये चले गए थे वॉशरूम फ्रेश होने के लिए, और हम ज़िक्रा यहीं पर बैठे थे, और ये देख रहे हैं ऊपर का पूरा है, ऐसे मैंने पूरी क्लिप ले ली थी, हम ज़िक्रा टहल रहे थे। तो ना फिर क्या हुआ, हम यहीं उस पर नीचे ना बैठ गए थे, ये बना हुआ था एक ऐसे राउंड बना हुआ था, ये जो बना हुआ है ना, हम इस पर बैठ गए थे। तो यहाँ पे जो भैया थे सिक्योरिटी भैया, ये जो घूम रहे हैं, उन्होंने आके हमको उठा दिया कि यहाँ पर बैठना नहीं है। मुझे इतनी हंसी आई कि क्यों बनाया है, अगर नहीं बैठना है तो यहाँ पे कोई फ्लोर पार्ट रख दो ताकि कोई बैठे ही ना। और ये ज़िक्रा जब बाबा इसके वॉशरूम से आए, इतनी तेज़ दौड़ के जाती है ना, ऐसा लगता है कि कितने दिनों बाद ये अपने बाबा से मिली है। फिर हम चले गए ऊपर, ये इसका ना फूड कोर्ट एरिया था, ये जो ऊपर देख रहा है ना इसमें आइनॉक्स है, ये PVR है, बड़ा प्यारा लग रहा था। तो ऐसे ही हम लोग घूम रहे थे, ये यहाँ पे जो फूड इनका था, फूड में हर ब्रांड ही थी, यहाँ पे छोटा था लेकिन सारे ब्रांड थे, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, सब कुछ था। तो हम ऐसे ही टहल रहे थे, टहलते हुए फिर हम गए ऊपर, आइनॉक्स जो बना हुआ था ना उसमें हम गए, और यहीं पर ना रोबोट बना हुआ था, बच्चों के खेलने की जगह थी, ये देखो ये रोबोट बना हुआ था। ज़िक्रा के पापा ज़िक्रा को ना उसके पास भेजे कि जाओ, ये इतनी तेज़ वहाँ से डर के भागी है, इसको जब ये चलना शुरू हुआ तो एकदम डर गई कि ये क्या हो रहा है, खड़ी ही नहीं हो रही थी, कहीं मुझे वाकई में मेरे ऊपर ये अटैक ना कर दे। मैंने कहा नहीं बेटा ये अटैक नहीं। तो ये अंदर ना हम गए, ये गेमिंग एरिया था, यहाँ पर जो भी पैसे डालकर गेम आप खेल सकते हैं। तो यहाँ पर ना कोई नहीं था, सिर्फ हम ही लोग थे। तो ज़िक्रा यहाँ पर सब कुछ ट्राई कर रही थी, और मैं यहाँ पे हाथ डाल के देख रही थी, देखूँ अगर कहीं से नीचे से निकल जाए, लेकिन ये तो पूरा पैक्ड होता है और इतना कॉस्टली यहाँ पे होता है, और राउंड आपको एक ही मिलता है, आप ये निकल विकल नहीं पाता है, जो बहुत एक्सपर्ट होते वही निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही टहल के देख रही थी, यहाँ पर कुछ खाने पीने का टेडी बियर, चॉकलेट सब कुछ था, और ज़िक्रा बड़ी परेशान थी, मामा एक राउंड कर ले। मैंने कहा नहीं नहीं क्या फ़ायदा, उतने में आप कुछ खा लोगे। वाकई में कोई फ़ायदा नहीं थी, मुझे तो नहीं फ़ायदा लगता, लेकिन हाँ फ़न के लिए हम कर सकते हैं। एक बार मैंने लुलु मॉल में किया था, मेरा सारे पैसे डूब गए थे, कुछ भी नहीं आया था, एक राउंड दो राउंड मिलता है वो निकल ही नहीं पाता है। और यहाँ पर ये भी बना हुआ था, ज़िक्रा सब टहल के देख रही थी। और ये ना हम ऊपर गए, इसका जो आइनॉक्स वाला सेक्शन था PVR, उसमें गए थे। ये ना बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और एज़ यूज़ुअल जो आजकल मूवी चल रही है हर जगह पे जवान, तो यहाँ पे भी जवान चल रही थी, और लोग अपने अपने टिकट्स लेके जा रहे थे। हमारा मन तो उछल रहा था हम लोग भी देखें, लेकिन हमने अपने मन को अंदर दबाया कि नहीं नहीं अभी हम लोग नहीं देख सकते। और फिर यहाँ पे घूमकर हम आ गए घर। तो मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरे व्लॉग आपको पसंद आए, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।